हाँ राइट, ब्रदर इन लॉ, राइट। जीजा। ओके नेफ्यू, मेरा अगर नेफ्यू है, नेफ्यू नेफ्यू का मेरे से रिलेशन, अगर देखो एक तो आपको ट्री स्ट्रक्चर आना चाहिए, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाँ तो मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, मैं सर्कल में ना, सर्कल में फीमेल्स को रखता हूँ, और जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर में मेल्स को रखता, समझे। यस सर। अच्छा ये क्यों करता हूँ मैं आपको बताता। तो अगर मैंने बोला एक स्टेटमेंट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, क्या बोला मैंने, ए इज द सिस्टर ऑफ किसका, बी बी का। अगर ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, तो उसको अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर में मेरे को लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ए, क्या बोला मैंने, ए इज द सिस्टर ऑफ बी बी ना। तो ए अगर सिस्टर है बी की, तो ए का जेंडर मेरे को पता चला, क्या ए का जेंडर, फीमेल फीमेल है, तो मैं सर्कल में लिख सकता हूँ उसके, है यस। ना। बट मुझे बताओ, मैंने अभी तक बी का जेंडर रिवील किया आपको नहीं नहीं किया ना। हाँ नहीं तो डोंट मेक दैट मिस्टेक, इसको स्क्वायर में मत लिखो। ओके उसके बाद मैंने बोला सी इज अ वाइफ ऑफ बी, सी इज अ वाइफ ऑफ बी, समझ रहे हो, सी इज अ वाइफ ऑफ बी। देखो वाइफ मतलब रिलेशन है उनका, है ना। तो हस्बैंड वाइफ को मैं स्लैश में लिखता हूँ, ये स्लैश पता है ना, यहाँ पे हस्बैंड अगर है तो यहाँ पे वाइफ आएगी, और अगर यहाँ पे वाइफ है तो यहाँ पे क्या आएगी, हस्बैंड आएगा, समझे। तो मैं क्या बोला, क्या स्टेटमेंट था, सी इज द वाइफ ऑफ बी। हाँ सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी तो सी वाइफ है, तो सी का जेंडर पता है मुझे क्या है, फीमेल सर्कल ना। तो इससे मेरे को बी का जेंडर पता चल रहा है या नहीं, है पता चल रहा है। ना, तो ऑब्वियसली मेल होगा ना। यस यस सर। अच्छा याद रख, समझे सबको। हाँ तो अगर आगे मैंने बोला है डी इज, सॉरी ए इज आंटी ऑफ डी, ए इज एन आंटी ऑफ डी, लिखा इतना, हुँ। हु इज अ सन ऑफ सी, ए इज अ आंटी ऑफ डी, ए इज आंटी ऑफ डी, लिखा, हु इज अ सन ऑफ किसका, सी, समझ रहे हो, समझे। हाँ यस सर। तो हाँ तो ये लाइन में मेरे को किसका जेंडर पता चल रहा एक है ना, और किसका है क्या। तो देखो हु इज द सन ऑफ डी, तो डी किसका सन है, सी हु इज द का सन ऑफ सी ना, यस सर। है ना। तो डी सी का सन है ना आपको, समझ रहे हो। तो सन के लिए ऐसा, और डॉटर के लिए, अगर डॉटर है तो डॉटर यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, फिलहाल सन को नहीं, यहाँ पे सी डी, तो डी कहाँ पे, इसमें आएगा ना, बॉक्स में। हाँ है ना। तो डी यहाँ पे आया, तो ए डी का क्या है, ए डी ए ए का रिलेशन क्या है डी से, अगर डी का रिलेशन ए से आंटी है, तो ए का रिलेशन, डी का रिलेशन ए के लिए क्या है, ग्रैंड मदर। व्हाट, ग्रैंड मदर कैसे, अरे
ये आंटी है ना इसकी डी की है ना देखो इसके नेफ्यू नो राइट राइट क्या बोला आपने नेफ्यू ओके राइट देखो इसके पिताजी की बहन है हम लोग आंटी बोलेंगे ना है ना एक के लिए क्या होगी नेफ्यू ना समझ रहे हो डी क्या होगा एक का नेफ्यू अगर यहाँ पे इसकी सिस्टर है ई तो ई ई क्या बोले ए ई को क्या बोलेगी नाइस नीस ना नीस राइट है ना और ई के लिए भी ए का रिलेशन क्या है आंटी यस राइट अगर मैं बोलू एफ ई का हस्बैंड है तो डी एफ को क्या बोलेगा अंकल समझ रहे हो समझ रहे हो अगर ए और बी का पिताजी का नाम है एच क्या नाम है एच एच तो ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में आएंगे ऊपर दोनों के समझ रहे हो समझे अभी मैंने ये ट्री स्ट्रक्चर ये दोनों पे ही क्यों बनाया कोई बताएगा मुझे क्योंकि वो दोनों रिलेशन में ना ये ब्लड रिलेशन है ना यस राइट ये दोनों का क्या है ब्लड रिलेशन समझे तो इन दोनों के ऊपर ट्री स्ट्रक्चर आया और इन एच के इन दोनों का पिताजी है समझा ये अच्छा तो मेरे को बताओ डी एच को क्या बोलेगा ग्रैंडफादर हाँ और एच के लिए ई का ई क्या बोले एच ई को क्या बोलेगा ग्रैंडडॉटर ग्रैंडडॉटर समझा ये यस सर ये समझा ना यस हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन दिया क्या मैंने नो ओके टेक टेक डाउन वन क्वेश्चन लिखो स्टार्ट करो यस सर ए एंड बी आर ब्रदर्स एकदम बेसिक क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स लिखा ए एंड बी आर ब्रदर्स सी एंड डी आर सिस्टर्स सी एंड डी आर सिस्टर्स कंप्लीट है यस हाँ एज सन एज सन लिखा एज सन इज डीज ब्रदर एज सन इज डीज ब्रदर समझ रहे हो ये लिखा सेंटेंस देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी ओके देन गिव मी द आंसर Uncle of C. B is uncle of C. Yeah. अच्छा आया और किसी का आया Use the tree structure. इसके वजह से tree structure मैंने पहले ही बता दिया Shall I explain it?
अच्छा कंप्लीट है किसी का? और एक्सप्लेन करूं मैं? यस सर। अच्छा तो पहला लाइन क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ब्रदर मतलब दोनों का जेंडर पता चल रहा है आपको, है ना? यस सर। ओके देखो ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग में ना कभी भी लाइन आएगी क्या स्ट्रेट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी क्या ब्रदर है ना, तो सेम लेवल पे आएंगे, तो समझ रहे हो, ये सेम लाइन आएगी तो सेम जनरेशन में दोनों आएंगे, तो दोनों का जेंडर पता है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, सी एन डी आर सिस्टर्स, सी एन डी आर सिस्टर्स, तो इन दोनों में से किसी का नाम आया क्या दूसरे लाइन में? नहीं ना, तो ये दोनों का भी जेंडर पता चल रहा है, दोनों अगर सिस्टर है तो दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, बट दोनों किस में आएंगे, सर्कल में, राइट? ओके। एडसन, ए का जो लड़का है, एडसन बोला ना, लड़का में बोला नीचे स्ट्रक्चर आएगा, है ना, है ना, सन मतलब क्या स्क्वायर, राइट? एज सन इज डीज ब्रदर, ये जो सन है ए का जो सन है ना वो डी का क्या है, ब्रदर है, समझ रहे हो, तो सेम लेवल पे ना, वेट तो यहाँ पे डी आए, तो मेरे को डी का जेंडर तो पता है क्या है, सर्कल में ना, ओके यहाँ तक पता चला है ना, तो डी का ब्रदर कौन है, लिखा है हम लोगों ने, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, डी का जेंडर क्या है, सर्कल है ना, एज सन इज डीज ब्रदर नो, तो डी अगर यहाँ पे, एक काम करता हूं मैं, लेट मी मेक सम चेंज, ओके ए का जो लड़का है जिसके बारे में हमें पता है क्या, नहीं ना, ए का जो लड़का है वो किसका, डी का ब्रदर है ना, तो डी फीमेल है पता है, और डी का एक सिस्टर भी है जो हमें बताया है ना, yes, कौन है वो, सी yes. इन दोनों में भी लाइन है ना, तो तीनों सेम जनरेशन के हैं, ये बंदे के बारे में कुछ बताया नहीं तो ऐसे रहने दो। तो पूछा क्या उन्होंने, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ये देखो ये क्वेश्चन में ला, ये क्वेश्चन ढूंढने में इसका कोई, इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, ये जो बंदा है इसका है क्या, नहीं ना, ओके तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा था क्या, सी के पिताजी का भाई को क्या बोलेंगे हम लोग, अंकल, अंकल ना, अंकल राइट, लिखो ओके कंप्लीट है, यस सर। ओके जो आपके यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दूसरे टाइप के, एक क्वेश्चन वैसा लेते हैं, ओके ये कंप्लीट है ना सबका, यस सर। समझा ना सबको, यस सर। ओके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू माइट इनकाउंटर इन योर सीसेट, लिखो pointing to a lady, pointing to a lady, इतना complete है सबका, yes yes, woman said, pointing to a lady, woman said,
उमर सेठ तिलक लिखा अभी जो लिखने वाले हो ना डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखो जो अगली लाइन है ना डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखो गॉट इट शी इज द डॉटर शी इज द डॉटर लिखा शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन She is the daughter of the woman who is the of the woman who is the mother of who is the mother of mother of तलक सबने लिखा yes sir okay फिर से बोल रहा देखो she is the daughter of the woman who is the mother of the husband mother of the husband of the husband of my mother of my mother of my mother complete hai हाँ डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करो किया सबने कंप्लीट है ना हाँ तो नेक्स्ट लाइन लिखो देन हाउ फार ही देन हाउ सॉरी हाउ फार मत लिखो देन हाउ इज द वुमन देन हाउ इज द वुमन Then how is the woman's mother? Then how is the woman's mother? Then how is the woman's mother related to the lady? Related to the किसपे? किसको? Lady. समझ रहे हो? हाँ, give me the answer. ओके आंसर आया आंसर मदर सर और सर डॉटर इन लॉ Who said daughter-in-law? Sir, मैंने बोला. हाँ, you're close to it, but daughter-in-law is not the answer. Mother-in-law? No. Okay, should I solve it? Yes, sir. No, daughter is also not answer. Okay, देखो, pointing to a lady, a woman says, देखो, यहाँ पे क्या बोला है? Point किया है, किसके तरफ? Lady के तरफ ना, है ना? तो ये lady मैं मानता हूँ, ये lady के तरफ किसने point किया? Woman ने point किया, है ना? Yes. है कि नहीं? तो woman is telling you something about this lady, no? एक woman आपको ये lady के बारे में बता रही है ना? ये समझा आपको? Then who is the author here?
Who is the narrator? Woman is the narrator, no? Yes. है ना? अच्छा हाँ, और ये वुमन लेडी के बारे में बता रही, तो ये आपको पहले माइंड में होना चाहिए. हाँ, शी सेड, मतलब वुमन ने बताया, शी इज द डॉटर. शी इज द डॉटर मतलब कौन डॉटर है? लेडी. मतलब डॉटर के लिए आपको पता है ना, सन और डॉटर के लिए नीचे ऐसा फ्री आता है, पता है ना? हाँ, तो डॉटर मतलब फीमेल, यहाँ पे लेडी. शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन. ऑफ द वुमन, अभी ये अपनी वुमन नहीं है, दूसरे किसी वुमन के बारे में बता रहे, समझ रहे हो? हाँ, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन, एक वुमन की डॉटर है, मतलब इसकी मदर होगी ना ये, है ना? इसकी अगर ये डॉटर है तो लेडी के लिए क्या होगी? वुमन मदर होगी कि नहीं, है ना? समझ रहे हो? यस सर. हाँ, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज मदर. हु इज अभी किसके बारे में बोला है? इसके बारे में बोला है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप लोग? यस सर. हाँ, हु इज द मदर ऑफ द, ये मदर है. He, who is the mother of the husband of my, husband of my mother, है ना? अभी तो ये this particular line is very important. Who is the mother? ये mother है किसकी है? Of the husband of, ये mother है किसकी? Husband, husband को ऐसे बोलूंगा ना मैं, है कि नहीं? Yes. Husband of my mother. तो ये इसका हस्बैंड है ना, ये लेडी का, है ना? है ना? Yes. इसका हस्बैंड है ना, तो माय मदर मतलब ये जो वुमन बता रही ना, वुमन उसके मदर का हस्बैंड, कि ये कौन है? माँ है. ये लाइन में पूरा बताया हूं आपको. ये लाइन समझ में आई कि नहीं मेरे को बता? सर रिपीट करो ना एक बार. अच्छा, ओके, पहला क्या बोला है? शी इज द डॉटर मतलब कौन डॉटर है? द लेडी ना, है ना? शी इज द डॉटर मतलब डॉटर के लिए ये आएगा, और द ऑब्वियसली लेडी इज हियर. शी इज द डॉटर ऑफ द सम वुमन, ऑफ सम वुमन दैट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, राइट? है ना? शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन Who is mother? Who is mother मतलब ये मदर है, समझ रहे हो? ये मदर मतलब यहाँ पे कोई तो आने वाला है. Yes. समझ रहे हो? Yes, yes. Of the woman, mother of the, okay. कहाँ पे? She is the daughter of the woman. Who is the mother of the husband? ये जो woman है ना, ये mother है किसी के husband की, समझ रहे हो? किसी yes. के husband की. मतलब ये कोई तो मेल की मदर है, समझ रहे हो? यस यस. और ये जो मेल है उसको कोई तो क्या वाइफ रहेगी? यस. समझ रहे हो? यस. हस्बैंड ऑफ द, बट ये हस्बैंड किसका? ऑफ माय मदर, ऑफ माय मदर, समझ रहे हो? माय मतलब किसके, ये माय किसके बारे में? ये माय कौन बोल सकता है यहाँ पे? द नरेटर ओनली, नरेटर है ना? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है. नरेटर मतलब यहाँ पे वुमन आएगी जो अपनी जो नरेटर है, समझो? यस. समझो, तो वुमन, यस यस, तो वुमन के मदर का हस्बैंड की मदर है ये सम वुमन, समझ रहे हो? यस. समझे? ओके, तो पूछा क्या उन्होंने? व्हाट आर दे आस्किंग? देन हाउ इज द वुमन मदर रिलेटेड टू द लेडी? तो वुमन की मदर ये है ना, है ना? Yes. तो ऑब्वियसली ये क्या, ये क्या भाई बहन है ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होगी ये, समझे?
ओके, सिस्टर इन लॉ के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको, वो जो पहला मैंने ट्री स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया था उसमें सिस्टर लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के बारे में नहीं बताया था ना, नहीं दिया था उसकी वजह से। तो आंसर क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ। लॉ समझे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके ये क्लियर है ना? यस सर। सर लास्ट का पॉइंट और एक बार बताएंगे, लास्ट का पॉइंट ओके यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, मैं बताऊँ यहाँ तक लेडी का? यस सर। ये लेडी सम मदर है ना, है ना? हु इज द मदर, ये जो सम वुमन है ना, ये सम वुमन जो मदर है, अगर मदर बोल सकता है, ये अगर मदर है किसी की तो इसका कोई तो बच्चा होगा ना यहाँ पे, लड़का या लड़की होगी कि नहीं? अभी ये जो बोल रहा हूँ सम वुमन के बारे में बोल रहा हूँ, ये जो है ना, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, ये मदर है हस्बैंड की, मतलब कोई तो मेल है ना, किसी के तो हस्बैंड की ये मदर है, समझ रहे आप लोग? हाँ, तो किसी के तो हस्बैंड की ये मदर है, तो ये हस्बैंड होगा तो इसको कोई तो वाइफ भी होगी कि नहीं, है ना? बट ये हस्बैंड है ऑफ माय मदर, ये जो हस्बैंड है ना, ये हस्बैंड ये मेरे मदर का, मतलब मेरे मदर का, अगर मैं बोलू माय मदर, माय मदर्स हस्बैंड, तो मेरे मदर का हस्बैंड है ना ये, तो मेरे लिए क्या होगा, ये फादर होगा ना, है ना? तो माय मदर ये वुमन बोल रही है ना, वुमन की जो माँ है उसका जो पति है उसकी ये माँ है, ये माँ है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो यहाँ पे नीचे वुमन आएगी, समझे? यस सर। ओके कंप्लीट है।